सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने बीसीसीएल की संचालित केंद्रीय अस्पताल के सौंदर्यकरण योजना का शिलान्यास किया। करोड़ों की लागत से अस्पताल का सौंदर्यकरण होना है। कार्यक्रम की शुरुआत मरीजों के सांसद और विधायकों ने फल वितरित कर किया। सांसद ने कहा कि सेंट्रल हॉस्पिटल काफी पुराना है और उसका सौंदर्यकरण काफी जरूरी था, इसलिए इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बीसीसीएल सीएमडी ने बताया कि पहले फेज में बाहरी सौंदर्यकरण होगा और उसके बाद बेहतर डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। हॉस्पिटल का नवीकरण और सौंदर्यीकरण इस कार्यक्रम का लोग यहाँ रखा गया है। उसमें हम लोग जो सौंदर्यीकरण और नवीकरण हो रहा है उसका लोकार्पण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से धनबाद का स्थान सेंट्रल हॉस्पिटल है। जब कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था उस समय सेंट्रल हॉस्पिटल की अपनी महत्ता थी। तो इसको, ये जो बैकबोन है, तो इसको और अच्छा बनाने का जो प्रयास है, सारे डॉक्टर्स ने मिलके, सारे डीपी साहब ने और बाकी सब ने मिलके जो प्रयास लिया है, मैं इसका साधुवाद देता हूँ। और ये बहुत अच्छा प्रयास है। ना केवल बीसीसीएल एम्प्लॉइज़ को इसका भला होगा, इससे लाभ उठेगा, बट पूरा धनबाद वासी को भी उठने का पूरा संभावना है। तो हम चाहेंगे कि और अच्छा डॉक्टर्स है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।